हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लीक क्रेडिट सीन के बारे में। तो मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं एमसीयू मास्टर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेरी पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा पहले भी एक चैनल था, पर वो बंद होने के कारण मैंने ये खोला और मेरे रीच के लिए मैं ये लीक वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैं मूवी आने से पहले नहीं बनाता हूँ लीक वीडियो, लेकिन मुझे रीच के लिए ये करना पड़ रहा है। तो कोई भी न्यू होगा तो सब्सक्राइब मार दो, क्योंकि फेस 4 की अपडेट्स मैं बहुत सारी लाने वाला हूँ बहुत जल्द। जैसे कि अगले महीने ही होने वाला है जुलाई में सैन डिएगो कॉमिक कॉन, तो तब से आने चालू हो गए सब न्यूज़ फेस 4 के बारे में। तो जो न्यू हो वो सब्सक्राइब मार लो, बेल आइकन भी दबा देना। बात करते हैं स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के लीक क्रेडिट सीन के बारे में, लेकिन क्रेडिट सीन बताने से पहले मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग देना चाहूंगा। वैसे इंडिया में तो किसने भी नहीं देखा है मूवी, तो स्पॉइलर वार्निंग देना तो बनता ही है। तो अब मैंने स्पॉइलर वार्निंग दे दी है, तो चलिए वो लीक क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं। तो स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का क्रेडिट सीन बताने से पहले मैं आप लोगों को और एक चीज बता दूं कि मैं वीडियो नहीं चलाने वाला हूं लीक वाला। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट बताऊंगा और उसके हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं वीडियो अगर डालूंगा वीडियो में मेरी वाली तो कॉपीराइट आ जाएगा, उसकी वजह से ना आपको देखने मिलेगा ना मेरी वीडियो पब्लिश हो पाएगी। तो चलो आप क्रेडिट सीन पे बात करते हैं। तो क्रेडिट सीन शुरू होता है एमजे और स्पाइडरमैन से। स्पाइडरमैन स्विंग करके उसे एक जगह छोड़ता है और एमजे कहती है कि नेवर 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 डू इन नॉट अगेन, और स्पाइडरमैन कहते हैं यू डू, यानी कि तुम करोगी। और वैसे ही जंप करता है स्ट्रीट के लैंप पे और वहां पे बैठ के बाय करता है। उतने में एक न्यूज चैनल से ब्रेकिंग न्यूज आती है, और ब्रेकिंग न्यूज में वो बंदा बताता है कि मिस्टीरियो के मरने के बाद एक वीडियो रिलीज हुई है, जो कि वो लोग स्क्रीन पे दिखाते हैं। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। और ये वीडियो में मिस्टीरियो कहता है कि स्पाइडरमैन ने मुझ पे कुछ रीजंस की वजह से हमला किया और वो स्टार्क टेक्नोलॉजी से घेरा हुआ था, यानी कि वो स्टार्क टेक्नोलॉजी उसे हेल्प कर रही थी। और मिस्टीरियो ने ऐसे भी कहा कि वो नेक्स्ट आयरन मैन बनना चाहता है आयरन मैन के जाने के बाद, वो किसी को बनने नहीं देगा। वो मिस्टीरियो ने ऐसा झूठ कहा, यानी कि सच नहीं है ये, झूठ कहा है, न तो वरना कॉन्ट्रोवर्सी यहाँ भी उठ जाएगी। और फिर से मिस्टीरियो की वीडियो हटने के बाद वो न्यूज रिपोर्टर आता है और कहते हैं कि ये रिलीज किया है डेली ब्यूगल ने। आप लोगों को याद होगा स्पाइडरमैन 2 में डेली ब्यूगल वाला अंकल स्पाइडरमैन के कैसे पीछे पड़ा था, तो यहाँ पे उसे इंट्रोड्यूस किया गया है। और ये वही एक्टर है जो कि स्पाइडरमैन 2 में थे, बस इतने के यहाँ पे गंजे और वहाँ पे बाल थे। ओह, शर्मीला है जी? नहीं, हमें गंजे हीरो की तस्वीरें मिल सकती है तो इस सरफिरे की क्यों नहीं। और ये जे जोना जेमिसन आगे भाषण देते हैं, फिर इनकी वीडियो जब हटती है फिर से मिस्टीरियो की वीडियो आती है और मिस्टीरियो बता देता है सब लोग को कि स्पाइडरमैन का नेम है पीटर पार्कर। और स्पाइडरमैन जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो ऐसा सर पकड़ता है। तो ये सीन से मुझे आयरन मैन 1 की याद आई। आयरन मैन 1 में तो टोनी स्टार्क ने खुद ही बताया था, पर यहाँ पे मिस्टीरियो ने स्पाइडरमैन की पोल खोल दी। तो मे बी फेस 4 में उन लोगों को सब क्लियर रखना हो, यानी कि स्पाइडरमैन कैसे अभी भी नेबरहुड स्पाइडरमैन है, तो वो लोगों को थोड़ा बाहर लाना हो, तो इसलिए एक रास्ता बना रहे स्पाइडरमैन के लिए। फोर में हमें देखने मिलेगा कि स्पाइडरमैन को सब जानते हैं, एक अच्छा ही होगा, अलग एक नज़रिया देखने मिलेगा। जैसे कि सोनी पिक्चर्स बनाते थे वैसे नहीं, एमसीयू में जरा हटके होगा। और मैं तो कहता हूँ एक कॉन्ट्रैक्ट बचा अभी भी टॉम हॉलैंड का, तो स्पाइडरमैन 3 तो आएगी और कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा तो फिर और भी मूवीज आएगी। तो बस इतना से था क्रेडिट सीन में जो मैंने आप लोगों को बताया। वैसे मैंने तो बहुत कुछ सोचा था, जैसे कि सिनिस्टर 6 देखने मिलेगी, बहुत जन ऐसे ऐसे वगैरह वगैरह चीज, पर यहाँ पे तो मिस्टीरियो को मरा हुआ दिखाया है। और जैसे कि डेली ब्यूगल्स ने बता दिया सबको कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, मतलब वो लीक वीडियो ला के मिस्टीरियो की। तो वैसे अभी कुछ मुझे स्टोरी समझ रहा नहीं है, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मैं अब ये सोच रहा हूँ कि स्पाइडरमैन 3 में विलन कौन होगा। थिंकिंग वैसे मैं पर्सनली स्पाइडरमैन 3 में सिनिस्टर 6 को देखना चाहता था, पर अब जब सिनिस्टर 6 नहीं है तो अगर नहीं होगे तो मैं वैनम को देखना चाहूँगा। डेडपुल का नाम छोड़कर आप किसका भी नाम लेके मुझे कमेंट में बता सकते हो। डेडपुल तो नहीं दिखेगा, अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से डेडपुल तो नहीं होगा, वैनम हो सकता है, डेडपुल नहीं होगा। और बहुत लोगों को लगता है कि टॉम हॉलैंड का 5 ही कॉन्ट्रैक्ट था, यानी कि 5 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था। तो मैं आप लोगों को ये वीडियो में वो भी समझा देता हूँ। स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड का 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट था, 3 सोलो मूवी और 3 ग्रुप मूवी। तो पहले ग्रुप मूवी की बात करते हैं। ग्रुप में से एक सिविल वॉर में था, एक इन्फिनिटी वॉर में, एक एंड गेम में। आप बात करें 3 सोलो मूवी की, तो होमकमिंग हो गई, फार फ्रॉम होम आ रही है और एक एक बस्ती है। तो आप लोग अभी क्लियर हो गए होंगे कि स्पाइडरमैन की मतलब टॉम हॉलैंड का और एक कॉन्ट्रैक्ट बचा है, तो स्पाइडरमैन 3 देखने मिलेगा हमें एमसीयू में। और मेरे हिसाब से स्पाइडरमैन 3 हमें 2023 तक देखने मिलेगी, ये मेरा अंदाज है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं वैनम को देखना चाहूंगा यार स्पाइडरमैन 3 में। सिनिस्टर 6 को बाद में भी अगर बताते हैं तो ठीक है, पहले मैं वैनम को देखना चाहूंगा स्पाइडरमैन 3 में, वो भी टॉम हार्डी वाला। वैसे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, लेकिन अभी एक रेड सीन से तो पता लग गया है कि सबको पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है।
तो देखते हैं अब फ्यूचर में क्या होता है। अब तो मैं कुछ कह नहीं सकता, आप लोगों को कुछ लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और कोई न्यू बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेस फोर की मैं बहुत सारी अपडेट्स लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी लीक वीडियो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए, और कोई न्यू बंदा या बंदी हो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो चलूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना ना भूलिए। गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैंने मेरी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप हमें सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं वैसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन चैनल को शेयर करो।